क्योंकि आफ्टर मार्केट ये लगाओगे तो कम से कम ये 20,000 रुपये का एक पड़ेगा, तो इसीलिए हर कोई बाहर से मिलेगा पता है। तो है दोस्तों, मैं हूं अफजाल और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अफजाल ब्लॉग वाले पर। तो आज कुछ दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं और अपनी गाड़ी के बारे में। ये बलेनो हमने अभी, मेरे पास ये गाड़ी है बलेनो, तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये गाड़ी मैं लगभग 6-7 महीने से चला रहा हूँ अभी। और ये है डीज़ल, क्योंकि मेरे पास इससे पहले हुंडई की गाड़ी थी वेन्यू, और उससे पहले भी स्विफ्ट थी और i20 थी, सब चला लिया। लेकिन सारी गाड़ियों से बेहतर अगर जो मुझे लगा तो ये बलेनो मेरे को एकदम फिट लग रही है गाड़ी मेरे लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसे है, जैसे माइलेज हो गया, तो माइलेज तो इसका बहुत बढ़िया है, 20 प्लस माइलेज है और चलने में भी बहुत अच्छा चलती है और स्पेस भी ठीक ठाक है, तो इसीलिए मैं इसको अभी रखूंगा हमेशा के लिए। और ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी है। और ये डीजल पहले आती थी, 2016 मॉडल है, 2016 दिसंबर की गाड़ी है। अभी तो BS6 में डीजल नहीं आ रही, डीजल बंद कर दिया कंपनी ने, लेकिन ये पहले मुझे मिल गया था, पहले की गाड़ी है और अभी डीजल नहीं मिल पा रही, क्योंकि डीजल का डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा चलने वालों के लिए डीजल ही बेहतर होता है, क्योंकि पेट्रोल का अपना माइलेज रहता नहीं है। तो कुछ लोग तो पेट्रोल पसंद करते हैं, बट मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे डीजल गाड़ी ही पसंद आती है, और जितनी भी गाड़ियाँ मैंने अभी तक चलाया सब डीजल थी। अब मुझे चलना ज़्यादा होता है, दिन भर तो इसी से चलते हैं हम, इसलिए डीजल गाड़ी ही मैं ज़्यादातर रखता हूँ। और इससे पहले मेरे पास जो वेन्यू थी, हुंडई वेन्यू, वो भी डीजल थी, बट उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें आग लग गया था, कुछ लोगों को पता होगा। तो वो गाड़ी जो है मुझे इतना मज़ा नहीं आया, वो ठीक था रेंज के हिसाब से, पैसे के हिसाब से तो ठीक थी गाड़ी, बट 100 के प्लस अगर जाओगे, 100 प्लस जाओगे अगर स्पीड में, तो गाड़ी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने लगती थी। इसको मैं 120-130 लगाता हूँ ज़बरदस्त, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मीटर पे मेरा नज़र न जाए तो पता नहीं चलता है कि मैं कितना स्पीड में चल रहा हूँ। अब वो गाड़ी थी 100 के ऊपर जाता था तो तुरंत कहीं ना कहीं गाड़ी में जो है वो अपडेट और डिसबैलेंस होने लगती थी, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ इसमें और है, जैसे आप इस गाड़ी को भूल जाते हो लॉक करके करने को, जैसे कहीं अगर आप गए और कहीं रोके गाड़ी जल्दी जल्दी में हो और गाड़ी से निकल के चले गए सीधा और लॉक नहीं किए, तो ये 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। इसमें अच्छा ही है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो अंदर का भी इंटीरियर दिखा देता हूँ, तो इसका फ्रंट कुछ इस तरह का है, इसको स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। डीजल है तो थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा रहेगा, पेट्रोल में इंजन आवाज़ नहीं रहता है और डीजल में रहता है। आगे इधर स्क्रीन मिल जाता है, क्योंकि टॉप मॉडल है तो इसमें ये कंपनी फिटेड है, तो इस तरह का है। इधर आपको लाइट मिल जाएगा, जो लाइट फूट गया है, और एक लाइट आपको इधर मिल जाएगा बीच में, तो कुछ इस तरह का है। और बैक साइड का भी दिखा देता हूँ, ये है बैक साइड का, ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। एक्चुअली पेट्रोल में आती नहीं है तो, सॉरी, पेट्रोल में आती है, डीजल में आती नहीं है, तो डीजल में अगर ये आती तो 11 लाख के आसपास, 11 प्लस ही रहती, लेकिन डीजल में नहीं आती है। पेट्रोल में अगर अल्फा लेने जाओगे तो शायद 10 के आसपास है, 10-10.5 के आसपास में अल्फा है। इसमें 4 वेरियंट आता है, इसके नीचे जाओगे ये है अल्फा, अल्फा के बाद आता है जेटा, जेटा के बाद में आता है डेल्टा, उसके बाद में सिग्मा, 4 वेरिएंट है। तो ये सबसे टॉप वाली है, ये है अल्फा, मतलब फैमिली के लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, अगर एक फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। गाड़ी थोड़ी गंदी है, 3-4 दिन हो गया धुलाया नहीं, 3-4 दिन पहले जो है धुलाया था, और आज मैं उसको जो डस्ट था सुबह जल्दी जल्दी गाड़ी निकाला तो उसको सफाई भी नहीं किया, इसीलिए थोड़ा गंदा दिख रहा है, उसके लिए सॉरी।
बाकी आप लोग अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 10 लाख के आसपास अगर गाड़ी ले रहे हो तो आप बिना सोचे ये गाड़ी ले लो। रेट के हिसाब से गाड़ी बहुत मस्त है, चलने में एक नंबर है भाई, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज भी ठीक है। और मारुति, जैसे मारुति है तो मारुति आप छोटे से छोटे मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है पार्ट वगैरह। और दूसरा ब्रांड जल्दी नहीं मिलेगा, हुंडई हुआ या टाटा वगैरह, टोयोटा वगैरह, तो ये सब जो है हर जगह पार्ट आपको नहीं मिलता है। ये चीज़ है, इसमें अच्छा है कि कहीं भी जाएंगे, छोटे शहर में जाएंगे, बड़े मार्केट में जाएंगे तो आराम से मारुति का सामान मिल जाता है और थोड़ा सस्ते में भी हो जाता है। ये चीज़ें हैं, तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है अपने हिसाब से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।